और चलिए अब आपको महाराजगंज लिए चलते हैं, वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारी मुस्लिम बहनें जिनको तीन तलाक का 13वीं शताब्दी का दंश सता रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तीन तलाक समाप्त करो, किसी नेता में ताकत नहीं थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया दोबारा, और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और पंकज चौधरी के बटन दबाने से तीन तलाक सदा सदा के लिए भारत से समाप्त हो गया, ये भी हमको याद है। आज 2 साल के अंदर 80% तीन तलाक के मामले घट गए, तीन तलाक के 80% मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया मोदी जी ने। और इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान साथी, इनका कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये हम दम से कहते हैं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देखिए ये मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए, खुलवाए कि नहीं खुलवाए। जब खुलवा रहे थे तो उस समय ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और ये राहुल गांधी, ये मोदी जी का मजाक उड़ाते थे, ये मोदी जी की खिल्ली उड़ाते थे, कहते थे भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवाने लगा। अरे इनको क्या मालूम चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोग, इनको गरीबी क्या मालूम थी। 130 करोड़ की जनता में सिर्फ खाता धारक की संख्या 2.75 करोड़ थी, 2.75 करोड़, 130 करोड़ की जनता में। मोदी जी ने पता किया कि गरीब आदमी खाता क्यों नहीं खुलवाता, तो पता चला कि गरीब के पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि उससे वो खाता खुलवाए। दूसरा, गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता है कि किस कौन गारंटी लेगा। मोदी जी ने कहा पैसा तुमको डालने के लिए मैं खाता नहीं खुलवा रहा हूं, मैं खाता इसलिए खुलवा रहा हूं कि भारत सरकार मोदी जी अब तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, इसके लिए मैं खाता खुलवा रहा हूं। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर अब नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, बिना गारंटी के तुम खोलो और तुम्हारा खाता खुलेगा, ये बात हमको ध्यान में रखना। देखिए फर्क क्या पड़ा, जब कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया तो मोदी जी ने 3 महीने तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, बहनों के खाते में हर महीने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था, 500 रुपए खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था, और बीच में कोई बिचौलिया नहीं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2.63 करोड़ मकान बने हैं पिछले 5 सालों में, 2.63 करोड़। और जब मैं इसकी चर्चा भी करता हूं या इन बातों को रखता हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सिसवा में भी और अन्य स्थानों पर भी हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी है। और जब मैं मकान बनाने की बात बोलता हूं तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि मकान यानी पक्का मकान, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए मकान अलग और अहाता अलग। और इसके साथ साथ घर का मालिक अब मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी, महिला शक्ति होगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी। और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी फूस के मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा और हरेक को पक्का मकान दिया जाएगा। इस साल 60 लाख मकान बन रहे हैं, 60 लाख एक साल के अंदर 60 लाख मकान बनेंगे। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के लिए
जो कार्य हुआ है वो हम सबको मालूम है। बताइए गैस का चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है। अब प्रेम सागर जी को फिर भेज दीजिएगा, 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को इनको फिर से भेजिएगा, दीपावली और होली में 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि त्योहार का आपको मिलेगा। और कितने गैस के सिलेंडर दिए गए, सिलेंडर दिए गए 10 करोड़ सिलेंडर बांटे, 10 करोड़ चूल्हा दिया गया। पहले हमारी माताएं ये कंडा होता ना, कंडा कंडा उसको दीवार में थोप करके बनाती थी कि नहीं बनाती थी, और उसी से चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी, और लकड़ी के चूल्हे जलाने से धुआं फेफड़े में लेती थी कि नहीं लेती थी। आजकल जिसको देखो टक से दबाते हैं गैस जलता है और 5 मिनट में पति देव को चाय पिला के बोलती है जा काम पर जावा जावा जावा, बोलती है कि नहीं बोलती है, बोलती है कि नहीं, आई लाइटर से जलाती है टक से। अब पहले फू 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 चूल्हा जलाना यानी धुआं लेना फेफड़ा में। मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जितनी महिलाओं को फेफड़े की बीमारी होती थी धुएं के कारण होती थी, 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो ले लेती थी सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठती थी। आज मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया, कितना दिया, 10 करोड़ लोगों को चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया है। और अब प्रेम सागर जी होली और दीपावली में 2 सिलेंडर मुफ्त का आपको देंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लगभग 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, और यहां भी लगभग कोई 38,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है। ये 38,000 यानी आप सोचिए कि घर का बच्चा ढिबरी में पढ़ता था, लालटेन में पढ़ता था, आज लाइट जला करके पढ़ता है, टेलीविजन देख नहीं सकता था, आजकल टेलीविजन ऑन करके मैच भी देखता है। और मोदी जी का दिया हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी जानकारी हासिल करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए आपको राशन मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं, चावल मिलता है कि नहीं। जेपी नड्डा का संबोधन आप देख रहे थे।